नमस्कार, मैं हूँ अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अल अहद कमेटी के पदाधिकारियों ने मुमरा कौसा रसीद कंपाउंड स्थित कब्रिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक कौसा मुमरा कब्रिस्तान कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो आरिफ इराकी साहब मौजूद हैं, हसन मुलानी साहब हैं, यहाँ पर हमारे नासिर मेम साहब हैं, यहाँ पर मम्मू भाई ममदानी हैं, यहाँ पर हमारे हम प्यार से नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, बबले अहमद शफी भाई हमारे लिसान भाई, हम लोग सब यहाँ पर इस वक्त आए हैं एक शहर के जिम्मेदार के तौर पर, एक शहर के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसके लिए बुला गई कि 16 साल की एक बड़े इंतज़ार के बाद जब हर कोई इसके अंदर नाकाम नज़र आने लगा और यहाँ पर शहर की ज़रूरत बढ़ती हुई नज़र आने लगी। एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ आपको, आजू बाजू आप देख लीजिए TMC बिल्डिंगों का जाल बन गया है। ये 3 से 4 साल के अंदर बन जाता है। 3 से 4 साल के अंदर जब TMC बन जाती है तो ऐसी क्या बात है कि इस जगह के लिए जो भी कोई मसला होगा, चाहे इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, लेकिन सबको बहुत टाइम दिया गया। अब अगर इसका कोई क्रेडिट लेना चाहता है, अगर इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता है, तो मेहरबानी करके ये कब्रिस्तान बहुत जल्द चालू करके देना पड़ेगा। अगर नहीं चालू करके दिया जाएगा तो अब कोई रुका नहीं जाएगा, किसी के आश्वासन को माना नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं की जाएगी। बहुत ही जल्द, जिस तरीके से पब्लिक ने पहले चंदा जमा करके इस कब्रिस्तान को एक्वायर करने की कोशिश की थी, हमारी निजी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने अपने हक के पैसे के साथ इसको खरीदा है। ये जो है एक मुमरा आवाम की तरफ से कब्रिस्तान है, इसको फौरी तौर पे चालू किया जाएगा और इसके अंदर किसी भी देरी को आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस कब्रिस्तान को रोकने के लिए अगर कुछ किया जाता है तो क्या करेंगे आप? कोई भी अगर इसके अंदर गलतफहमी के अंदर है कि अगर किसी ने उसको रोका, तो कानूनी तौर के ऊपर यहाँ पर एडवोकेट भी है, यहाँ पर आरिफ भाई जैसा जो जवाब देने वाला RTI एक्टिविस्ट है वो भी मौजूद है, यहाँ पर हसन मुलानी साहब भी है और बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद है, हम अपने तरीके से इनको सही जवाब देंगे। अरिफ भाई, कल आपकी अल अहद कमेटी के कुछ पेपर व्हाट्सएप पे चल रहे थे, उसमें खास करके यहाँ के कब्रिस्तान के मुद्दे के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो इसके बारे में आप पूरी क्या जानकारी देंगे और कौन सा कब्रिस्तान है, किस जगह है, इसके बारे में पूरी क्या मालूमात देंगे? ये जो है कौसा के अंदर एक कब्रिस्तान है, रशीद कंपाउंड में बोला जाएगा, सर्वे नंबर 123 हिस्सा नंबर 1 है, ये 34 घंटे का ये 7/12 है। इसकी जो बुनियाद हुई थी 2007 में हुई थी, मरहूम नादिर भाई ने ये इसका बुनियाद डाले थे। इसके लिए तमाम मुमरा कौसा के लोगों ने पैसा जमा किए, कम पड़ा तो हमारे नाथानी साहब ने मदद की और ये 2009 में खिदमत ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद लगभग इसका जो काम है अधूरा छूट गया, इसके पीछे कोई फॉलोअप नहीं हुआ। अब जो बीच में एक न्यूज़ चला गोवंडी का, जहाँ की कब्रिस्तान की हालत जो है बहुत ही बेकार थी, तो उस वक्त जब मैं MM वैली के कब्रिस्तान में गया था तो उधर भी देखा तो कब्रिस्तान की हालत कुछ सही नहीं थी। तो मेरा ये रेफरेंस थी कि भाई हमारे पास ये कब्रिस्तान है, 2009 से ये जगह ली पड़ी है हमारे पास, तो इसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? तो उस एवज में ये कब्रिस्तान को चालू करने के लिए हम लोग ने 6-7 लोग ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के हमने कल अल हद के नाम पे एक डेलीगेशन दिए और आगे जो भी इसका काम होएगा, ये जो है मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी के नाम से चलाने का हम लोग का ये डिसीजन हुआ है। हसन भाई, आगे इसको कैसा फॉलोअप लिया जाएगा? सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जो हमारा शहर है वो दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है, तमाम अलग अलग जो इलाके के हमारे कब्रिस्तान है, दरगाह कब्रिस्तान है, MM वैली का कब्रिस्तान है, कौसा कब्रिस्तान है, ये सारे कब्रिस्तानों के क्या हालात हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों पर और कई अलग अलग जगहों पर इस पर बात होती थी और पिछले 15-16 साल से मरहूम नादिर साहब ने जो शुरुआत की थी वो कब्रिस्तान जस का तस पड़ा हुआ है। आज हम लोग आकर देखकर इतना ख़राब लग रहा है कि आप देख सकते हो कोने में यहाँ पर कूड़ा कचरा डाला गया है। यहाँ आए तो यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि जो बकरे की मंडी लगी हुई थी उनका जो पूरा के पूरा कचरा, गंदगी जो बकरों की थी और तमाम जानवरों की थी, वो सब ला लाकर यहाँ फेंकी गई। और आए दिन यहाँ के मुकामी लोगों के झगड़े होते हैं क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, खाली वॉल कंपाउंड डालकर छोड़ दिया गया है। आप भी इस पर वीडियो घुमाकर देख सकते हैं कि इस कब्रिस्तान की हालत क्या है। हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से यही मांगना है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी है वो सब अपने पार्टी, अपने सब कुछ पदाधिकारी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कम से कम शहर के लोगों के लिए, आवाम के लिए एक साथ आकर इस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द दिला दे। किसी भी काम को
ख़त्म करने के लिए 16 साल बहुत होता है। अगर ये न्यूज़ बाहर जाएगी मुमरा के बाहर दूसरे इलाकों में, तो वो लोग खुद सोच कर परेशान हो जाएंगे कि 16 साल लग गए कब्रिस्तान को बनते हुए। तो अपने आप में ये एक अजूबा है, लेकिन फिर भी हम पुरानी चीज़ों को भूलते हुए उस पर मट्टी डालकर अभी फ़िलहाल तमाम लोगों से, खासकर महानगर पालिका से गुजारिश करते हैं। कल आरिफ भाई, नासिर मेम साहब, मम्मू भाई, हम लोग, सलीम खत्री साहब और मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी जो नई हमने बनाई है, उसके तमाम लोग जाकर AMC से मुलाकात किए पिछड़ साहब से। उन्होंने पूरा लेटर हमें सुना पड़ा, आधा घंटा उन्होंने दिया, और वो खुद बोल रहे थे कि इसे अब तक चालू हो जाना चाहिए था, मेरे भी नज़र में ये नहीं था। तो वो खुद सरप्राइज थे सुनकर, और उन्होंने बोला कि मैं मंडे तक के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपना जो भी अहवाल है, जो भी लेटर के साथ अटैच कर मैं अपनी बात टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगा। हसन भाई, ये जो अभी तक कब्रिस्तान की शुरुआत नहीं हुई है, इतने दिन से पेंडिंग है, इसका जिम्मेदार कौन? इसके रुकने की वजह क्या थी? इस चीज़ पर हम लोगों ने सुल्तान भाई ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, इस पर बैठ कर हमने बात नहीं की। जब हम लोग मीटिंग करने बैठे तो सबसे पहले ये तय किया गया कि पुरानी चीज़ों को भूल कर हम इस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं, ना कि किसने किया, किसकी वजह से हुआ, इस पर वक्त न डालें। क्योंकि जो भी लोग होंगे हमारे शहर के, हमारे भाई होंगे, तो उन लोगों के ऊपर कुछ ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि हम सब लोग मिलकर, आप पत्रकार भाइयों का भी बहुत सपोर्ट लगेगा, बार बार इसके फॉलोअप होंगे, हम बार बार आपको बुलाएंगे। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आज जैसा आप आए वैसे बार बार आना। जब तक ये कब्रिस्तान हम यहाँ के लोगों के लिए शुरू नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों को, हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, प्रशासन से, हमारे तमाम नेतागण से, तमाम पॉलिटिकल, तमाम समाज सेवकों से, खासकर हमारे तमाम प्रेस के लोगों से, कि आप लोग सपोर्ट करें ताकि इसे जल्द से जल्द हम लोग प्रेशर डालकर शुरू कर दें। हसन भाई, 50 करोड़ रुपए आए हैं मुमरा और कलवा के विकास के लिए, तो क्या इस कब्रिस्तान के लिए भी कुछ पैसा आया है, कुछ मिलेगा? इस बारे में आरिफ भाई बता सकते हैं, फंड्स के ताल्लुक से आरिफ भाई बता पाएंगे। देखो, कैसा है कि अभी ये कब्रिस्तान के बारे में, अभी ये जो जगह है, ये जगह खिदमत ट्रस्ट के नाम पे 7-12 घूमा था, उसके बाद फिर से जो इसका जगह मालिक था उसके नाम पे 7-12 घूमा, क्योंकि इसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त, ये TDR के बेस पे हुआ था कि जो भी इसका TDR मिलेगा ये 50-50% दोनों में आपस में बांटा जाएगा। तो वो TDR के मसले की वजह से ये जो मसला है अभी तक हुआ नहीं था। तो अब ये TDR का मसला जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 4 माले पे वो क्लियर करेगा, तो इसके लिए हमारा ये है कि हम टाउन प्लानिंग के अंदर भी जाके बात करेंगे। एक जो है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग या रोड का जो भी है TDR, महीना 2 महीने में क्लियर हो जाता है, मगर ये कब्रिस्तान का TDR को 16 साल क्यों लगा, इसका सवाल हम जाके टाउन प्लानिंग में करने वाले। आप एक बात ये बताएंगे, यहाँ के एतराब के नगर सेवक जो हमेशा मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो क्या यहाँ के नगर सेवक लोगों को मुमरा की आवाम की चिंता नहीं थी? कितनी बार उन्होंने आश्वासन दिया कि कल चालू होगा, परसों चालू होगा। तो ये TDR जो लाखों करोड़ों रुपए का रहता है, ये पैसा ही इस कौम के लिए रुका हुआ है। कैसा है मालूम है सरफराज भाई, ये इसके पहले हसन भाई ने जो जवाब दे चुके हैं, हम आपसी लड़ाई के अंदर हम अपने बेसिक फैसिलिटीज़ ख़त्म कर रहे हैं। आपसी पॉलिटिकल, जिसका है जो पॉलिटिकल है वो करे, हमको उससे नहीं नेता देना है। आज MM वैली का कब्रिस्तान जो है आज छोटा पड़ रहा है, ये सब जानते हैं। MM वैली का कब्रिस्तान भी छोटा पड़ रहा है। ये कब्रिस्तान एक अलॉट होने से श्रीलंका, देवरीपाड़ा, रशीद कंपाउंड, चरणीपाड़ा, मोतीबाग, ये पूरा जो है, ये पूरे पट्टे को जो कब्रिस्तान मिलेगा, 1000 कबर इधर दफन होंगे इंशाल्लाह। एक दिन में अगर दो कबर भी आती है तो 500 दिन का इधर बेसिस मिलेगा, MM वैली का कब्रिस्तान कम पड़ेगा। तो मेरा क्या बोलना है, हम आगे, हमारे आगे वालों ने क्या किया वो हम नहीं देख रहे, आगे क्या करना है ये कब्रिस्तान लेने के लिए ये हम देख रहे। हम पीछे का पकड़ के बैठेंगे, आपस में नाइतफाकी करना, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो सही प्रोग्राम है। क्या जानकारी देंगे? जैसे कि सुल्तान भाई ने बताया कि काम क्यों रुका हुआ है, जहाँ तक का हमारी मालूमात है, ये एक्चुअल है ना जो है वो TDR का मसला है, जो कुछ भी है, लेकिन TDR का मसला हल करने के लिए कुछ 16 साल नहीं लगते उस चीज़ के लिए। जिन लोगों ने जो इसको हाथ में लिए हैं, जिन लोगों ने इनको हाथ में लिया, उन्होंने इसकी लापरवाही करे। हालांकि हमारा बीच में, मैं वो नेता है, उनसे हमारी बात हुई थी, पूर्व नगर सेवक भी है, उन्होंने, उनसे हमारी इस तालुक में 2-3 मरतबा बात हुई, उन्होंने यही कहा कि भाई खाली जो है ना TDR का मसला है, अभी जो है जब तक का वो लैंड ओवर के नाम पे वापस से ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक का जो है वो TDR नहीं निकलेगा, और TDR निकलने के बाद फिर बांधो खिदमत ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर होगा। तो लेकिन उस काम के लिए भी तो इतना टाइम नहीं लगता है ना, आज 16 साल किसको बोले जाते हैं? आज कई दुनिया में ये मुमरा कौसा के अंदर इतनी सारी TMC बिल्डिंग बन चुकी है आज 16 साल के अंदर, कि जिसके TDR दुनिया भर के उठे,
बिल्डिंगें बन गई, लोग आ गए और जमाना हो गया उसके अंदर आगे। और ये 16 साल के अंदर अगर यही जगह पे अगर समझो, अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर यही जगह पे अगर जीपी बनाने के लिए दे दिए होते तो क्या होता था बताओ? ये प्लॉट 16 साल तक का ये होता था, रुकता था ये काम? अभी तक का जीपी ठोक के पुरानी हो गई होती तो कब्रस्तान का काम है इसके लिए रोक दिए। अगर तुम्हारा जो है अगर जीपी बनाने का कुछ काम होता या डेवलपमेंट का काम होता तो तब जमाना हो गया होता, क्या कर दी? मतलब कब्रस्तान का काम है, लोगों का काम है, इसके लिए उसको छोड़ दिए लावारिस बने से? तो हमारा यही बोलना है कि इसको जो है आखिरत का सौदा है, आखिरत के लिए अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए और आखिरत अपनी सवार है, दूसरों की भी जो है उसकी सहूलत हो जाए, मुमरा कौसा के लोगों की, जल्दी से जल्दी इसको जो है ना कब्रस्तान को शुरू करने के लिए कोशिश की जाए। सलीम भाई, इस कब्रस्तान का काम किस तरीके से और कैसे कब तक शुरू किया जाएगा? अभी जिनके हाथ में पेपर है, जो इसका फॉलोअप कर रहे हैं और जिन्होंने हमें बताया कि भाई TDR जो है इसका हमें उठाना है, तो उनका उनके ऊपर ये है एक जिम्मेदारी कि जल्दी से जल्दी इसका जो है ना TDR का मसला जो हल करे, खिदमत के ट्रस्ट के नाम पे इसके 7 बारों को ट्रांसफर करे, फिर कलेक्टर को जो उन्होंने बताया था प्रोसीजर TMC को हैंड ओवर करेंगे उसके बाद ना जैसे नहीं वैसा नहीं था, खिदमत ट्रस्ट के नाम पे 7 बारा घूम चुका था। अच्छा, खिदमत ट्रस्ट 2009 में खिदमत ट्रस्ट के नाम पे 7 बारा घूम चुका था, मगर घूमने की वजह से TDR ट्रांसफर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पे TDR नहीं घूमता है, तो इसके लिए फिर से वो 7 बारा रिवर्ट बैक किया गया, रिवर्ट बैक करके रावी के नाम पे किया गया। अब रावी के नाम पे TDR लेके TDR के अंदर ऐसा हुआ 50-50% है, तो हमारा भी बोलना ना, TDR लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी है, एक यूटिलिटी है, इसको तो महानगर पालिका जो है इसको TDR दे के फिर कलेक्टर को हैंड ओवर करके फिर इधर दफन करने का परमिशन देगी। तो ये हम चाहते हैं कि ये बारिश चालू हुआ है, आप MM वैली में जाके एक वीडियो देख लो, ओसा कब्रस्तान देख लो, वहाँ लोगों को तकलीफ है, मुश्किल से एक हफ्ते का काम है, एक हफ्ते के अंदर चाहे तो महानगर पालिका इसको हैंडओवर कर सके। आज यहाँ पर आप कब्रस्तान के मुद्दे पर आइए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, अस्सलाम वालेकुम, कब्रस्तान के मुद्दे पर देखो, हम लेडीज़ लोग भी जमा हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे इतनी फुल तादाद में आबादी है और MM बिला कब्रस्तान का बुरा हाल है, औसा कब्रस्तान का बुरा हाल है, ये जगह आज 16 साल से पड़ी हुई है, जो कि ये मेरी फ्रेंड खड़ी हुई, इनके अब्बा ने इस जगह के लिए 20 साल लड़ाई लड़े, वो आज इंतकाल भी हो गए, इस दौर में है भी नहीं वो, आज उनकी बेटी खुद आई है इस मुद्दे के लिए, आपको ऑब्जेक्शन लेने के लिए। और मेरा ये बोलना है, जब इतना फंड मुमरा में पास हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो कब्रस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अभी 50 करोड़ का बोलता फंड पास हुए, दूसरी और भी कमेटियों को मैंने देखी हूँ कि उनको भी 2-2 करोड़ रुपया कब्रस्तान के लिए मिला है, जैसे अभी कच्ची कब्रस्तान के लिए भी 2 करोड़ रुपया दिया गया है, तो इस कब्रस्तान के लिए क्यों नहीं दे रहे? अभी जैसे भाई ने बोले बिल्डिंग बनाने के लिए भी अभी परमिशन दो, 4 महीने में बिल्डिंग बिक भी जाएगी पूरी बन के, तो ये कब्रस्तान को आज इतने साल हो गए क्यों रुका पड़ा है, इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं कोई? मेरी यही गुजारिश है कि इस कब्रस्तान के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू करें और हमको इसके लिए फ़ंड वगैरह की ज़रूरत है, फ़ंड दिलाइए। रुई, क्या बताएंगे, जैसे कि आपके अबू जान की एक सपना था कि इसी में मैं दफन हूँ, उससे पहले ये सपना पूरा नहीं हो पाया, आपने ठान ली, अब कैसा लग रहा है इतने लोग इस कब्रस्तान के लिए आ जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती थी, करना तो बहुत चाहती थी, जिसमें एक मैंने पहले भी एक न्यूज़ दी है लेकिन कोई रिस्पॉन्स तो मिला नहीं, पता नहीं किसे देखा, लेकिन ये जो लोग रिस्पॉन्स मिला ना, उन्होंने कहा था ना 90 दिन में ये कब्रिस्तान मिल जाएगा, एटलीस्ट वो तो हुआ, माशाल्लाह ये लोग खड़े हुए, इन्होंने मुझे ऐसा मुझे लगा कि मेरे साइड से कोई सपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूँगी।